नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मजा आएगा, सीरियसली बोलता हूँ। मेरे यहाँ पे एक बंदा काम करता है जिसका नाम है रामू, ठीक है। मैंने उसको बोला कि रामू तू यहाँ पे काम कर, मैं तेरे को 1,000 रुपये सैलरी प्रॉमिस कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे बेचारे ने पूरा 12 महीना काम किया। कितना महीना काम किया, कितना पैसा देना चाहिए मुझे उसको, है ना, 12,000 मुझे उसको सैलरी देना चाहिए। दिस शुड बी माई एक्सपेंस फॉर द होल ईयर। अच्छा मेरा पॉलिसी है सैम, मेरा पॉलिसी मालूम है क्या है, तो जनवरी में काम करेगा ना, मैं तेरे को फेब्रुवरी की 10 तारीख को पैसा दूंगा। तो फेब में काम करेगा ना, मैं तेरे को मार्च की 10 तारीख को पैसा दूंगा। मार्च में काम करेगा तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आगे करते 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 नवंबर का पैसा एंड दिसंबर का पैसा कभी दूंगा मैं। हाँ बट मैं 31 जनवरी, 31 दिसंबर को, देख मैं तुम्हारे तरह टाइम पास नहीं करता कि पार्टी वार्टी कर रहा है, काउंट डाउन करना है ना, ना अपन नॉर्मल रहते बेटा, 10 बजे सो जाते हैं अकाउंट्स अकाउंट्स लिख के। मैं 10 बजे के बाद में जागता ही नहीं बेटा, कभी नहीं, कभी स्नैप भी नहीं भेजा मैंने आप लोग 11-12 बजे, है ना, मैं स्नैप तो यूज ही करता ही नहीं बेटा। सो बोलने का मतलब ये है कि मैंने 11 बजे या 10 बजे या दिसंबर की 31 दिसंबर को 12 बजे मैं अकाउंट्स लिख के बैठा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो पैसा दिया है ना ये मेरे रामू को, वो सिर्फ 11,000 दिया है। क्यों? क्योंकि दिसंबर का पैसा तो दूंगा ना मैं जनवरी में, अभी मेरे को गाली देने का नहीं है, टकले बच्चे का पैसा खा गया था, वर्कर लोग पैसा देना, शट अप बेटा एंड डोंट टॉक इन दिस टोन, ठीक है, अच्छा आदमी हूँ मैं। मैंने उसको 11,000 सैलरी दी बिकॉज मैं दिसंबर का पैसा जनवरी के, अभी मैं ईयर खत्म हो रहा है तो थोड़ी मैं अपना पॉलिसी चेंज करते बैठूंगा। मैंने अपना पॉलिसी एम रखा है, मैं दिसंबर के इतने टाइम, जनवरी के इतने टाइम पे पैसा दे दूंगा। तो मैंने उसको जो पेमेंट दिया है ना, वो 11 महीने का 1,000 रुपए के हिसाब से पेमेंट दे दिया, दे दूंगा ना मैं उसको बाकी का 1,000 रुपया, अभी खाने वाला नहीं हूँ। सो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस ऑफ, करेक्ट है, इसको मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग। क्या बोलता हूँ, आउटस्टैंडिंग अभी तक अपन ने उसको पे नहीं किया था ना, इसके लिए वो आउटस्टैंडिंग है, बट अपना साल तो खत्म हो गया तो मैं उसको अंदर बुला लिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो 1 साल का एक्सपेंस और 1 साल का इनकम कंपेयर करना होता है, सबसे पहले दिन तुमको बताया था मैंने, है ना, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ा है तो कब क्या बोलेंगे, अंदर आ जाओ। अच्छा अंदर बुला रहे हो आप, मुझे बताओ ना 11 से 12 तक आना है मुझे, तो विल आई एड और विल आई सब्ट्रैक्ट द अमाउंट, वेरी गुड, तो मुझे अमाउंट क्या करना पड़ेगा, एड टू एक्सपेंस। अच्छा क्या मुझे पैसा उसको चुकाना है, डू आई हैव टू पे हिम, तो इट्स अ टेंशन एंड इफ इट इज अ टेंशन इट बिकम्स अ लायबिलिटी। सो मैं क्या बोलता हूँ ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या मैं उसको बोल सकता हूँ एक्सपेंस पेएबल, बोल सकता कि नहीं, सर इसका इफेक्ट क्या आएगा, एड टू एक्सपेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस पक्का। अच्छा अभी ये तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ना, आप अभी रामू के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, रामू भी क्या सोच रहा है कि भाई ये टकले ने पैसा दिया नहीं, साल खत्म होगा 31 दिसंबर को, जाने का था यॉट पे रामू के, उनके साथ में मनाने के लिए, बट मैं तो पैसा दिया ही नहीं, गाली भी दे रहा है रामू मेरे को। अब मेरे लिए तो पेएबल था बट उसके लिए क्या था, रिसीवेबल। अभी उसके बुक्स में भी तो 11,000 दिखेगा क्योंकि उसने 11,000 ही रिसीव किया, उसके बुक में दिखना भी चाहिए 12,000, सेम टू सेम, तो वो भी क्या करेगा, ऐड ही करेगा इनकम में, वो क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए भी आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ बट उसके लिए लायबिलिटी नहीं होगा, उसके लिए क्या बन जाएगा, नहीं समझा? सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है, मैं टोटल यहाँ पे सब 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 एग्जैक्टली सब कुछ सेम कर रहा हूँ। ओके देखो आप कभी भी ऐसा शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, आपने देखा है मुझे हर बार, मैंने कभी कभी कट पेस्ट नहीं किया, कभी नहीं किया, फुल लिखा है यहाँ पे, एड टू इनकम या इनकम रिसीवेबल, देख रहे हो, देखो मैं रिसीवेबल लिख रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं कट पेस्ट कर सकता बट नहीं। और यहाँ पे बैलेंस शीट में एड टू इनकम एंड कहाँ पे, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, डू यू अंडरस्टैंड दिस, तो साथ साथ में अपना हो गया, अगर एक्सपेंस रहेगा तो लायबिलिटी, इनकम रहेगा तो एसेट, ऐसे पक्का।